नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज कुमार जैन, प्रवक्ता जैव जैन इंटर कॉलेज सहारनपुर से ऑनलाइन क्लासेज के अंतर्गत आपको कक्षा 10 के वाणिज्य विषय के अंतर्गत बैंक, बैंक का उद्गम, परिभाषा, कार्य एवं महत्व को समझाऊंगा। बच्चों, आज के अध्याय में हम जानेंगे कि बैंकों का उद्गम, आधुनिक बैंकों की उत्पत्ति, बैंक का अर्थ एवं परिभाषा, बैंक के कार्य और बैंक का महत्व। सर्वप्रथम है बैंकों का उद्गम। बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन शब्द बैंकों से ली गई है, जिसका अर्थ है बेंच पर बैठना। इटली में उस समय सुनार, साहूकार और महाजन लोग अपने धन का लेन देन संबंधी कार्य बेंचों पर बैठकर किया करते थे। किसी साहूकार या महाजन के अगर देनदारियां अधिक हो जाती थी तो वो अपनी बेंच को तोड़ देता था, जिसका मतलब था कि दिवालिया घोषित हो गया। कुछ विद्वानों ने बैंक शब्द की उत्पत्ति जर्मनी शब्द बैंक, जिसका अर्थ है संयुक्त पूंजी, से लिया है, परंतु अधिकतर विद्वानों का मत है कि यह इटली के बैंको शब्द से ली गई है। इटली में सर्वप्रथम 1157 ईस्वी में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई, जो उस समय इस प्रकार से बैंक हुआ करते थे। आधुनिक बैंकों की उत्पत्ति भारत में भी 1770 ईस्वी में द बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से पहले बैंक की स्थापना हुई। यह मूलतः यूरोपियन बैंक था, क्योंकि उस समय भारत में ब्रिटिश लोगों का राज था, इसलिए उस समय जितने भी बैंक स्थापित हुए यूरोपियन बैंक ही स्थापित हुए थे। इसके पश्चात बंगाल बैंक एवं द जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जो कुछ समय बाद बंद कर दिए गए थे। 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता, 1840 में बैंक ऑफ बम्बई और 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास चेन्नई की स्थापना की गई। ये बाद में बैंक ऑफ प्रेसिडेंसी के नाम से जाने जाते थे। उस समय बैंक ऑफ बंगाल इस प्रकार से जो स्थापित हुआ था समय शुरू में, बैंक ऑफ बॉम्बे और फिर बैंक ऑफ मद्रास। जो पहले हमारे तीन प्रेसिडेंसी बैंक थे, वे बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, उनके 1920 तक कार्य करते रहे, और उसके बाद उन तीनों बैंकों को 1921 में मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसका मोनोग्राम कुछ इस प्रकार से हुआ करता था। बाद में 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करते हुए उसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, जिसका मोनोग्राम उस समय इस प्रकार से था। 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो सर्वप्रथम इस प्रकार से हमारा इसका मोनो था, और बाद में आज के टाइम में आधुनिक समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मोनोग्राम इस प्रकार। अगला है हमारा बैंक का अर्थ एवं परिभाषा। बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा तथा साख में लेन देन करती है, जो लोगों से विभिन्न प्रकार की जमाएँ प्राप्त करके उन्हें चेक, ड्राफ्ट या अन्य किसी माध्यम से लौटाने का दायित्व लेती है। प्रोफेसर एच एल हार्ट के अनुसार बैंक वह संस्था है जो अपने व्यवसाय की सामान्य गति में लोगों से रुपया जमा स्वीकार करती है और फिर समय समय पर उनके द्वारा लिखे चेकों का भुगतान करके उस रुपये को वापस करती है। अगली परिभाषा है भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1940 के अनुसार बैंकिंग कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से होता है जो भारत में बैंकिंग का व्यवसाय करती हो। बैंकिंग का अर्थ उधार देने अथवा विनियोग करने के लिए जनता से धन की जमाओं को स्वीकार करने से है, जो मांग पर अथवा किसी अन्य प्रकार से दे हो तथा जिसे चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्य किसी प्रकार से निकाला जा सके। उपयुक्त परिभाषाओं की विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा एवं साख में कारोबार करती है,
तथा जनता के धन संबंधी लेन देन में सहायता करती है। इसके बाद हमारे बैंक के कार्य। बैंक के कार्य को मुख्य रूप से हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। नंबर एक प्रमुख कार्य, नंबर दो अभिकर्ता संबंधी कार्य, नंबर तीन अन्य कार्य। प्रमुख कार्य हमारे जो दो प्रकार के होते हैं, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। पहले जमा स्वीकार करना। जमा स्वीकार करने के अंदर पांच प्रकार के हम खाते खोलते हैं। पहला है चालू खाता, स्थायी जमा खाता, बचत खाता, घरेलू जमा खाता और आवर्ती जमा खाता। बैंक में हम इन पांचों खातों के माध्यम से अपना पैसा जमा करते हैं। तो हम समय पहले बात करते हैं चालू खाते के। चालू खाता विशेषतः व्यापारिक वर्ग के लिए होता है। इसमें व्यापारिक वर्ग को यह सुविधा मिलती है कि वे दिन में अपने पैसे को कितनी बार बैंक में जमा कर सकता है या निकाल सकता है। बैंक इस सुविधा के लिए व्यापारी को ब्याज इस खाते पर नहीं देता है, बल्कि इस सुविधा के लिए बैंक वे वसूल करता है। और इसमें जो अतिरिक्त सुविधा जो हमें प्राप्त होती है वह अधिकर्ष की मिलती है कि जितना पैसा हमारे चालू खाते में जमा है उससे अधिक हमें जो पैसे निकालते हैं यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए बैंक हमारे से बैंक वे वसूल करता है। अगला खाता है हमारा स्थायी जमा खाता। स्थायी जमा खाता जिसे हम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं या सावधि जमा खाता कहते हैं, इसके अंतर्गत एक निश्चित धनराशि, जिनके पास अतिरिक्त धनराशि होती है वो अपनी एक निश्चित धनराशि बैंक में निश्चित समय के लिए जमा कर देता है। ये इसके अंतर्गत 45 दिन से लेकर 10 वर्ष तक के लिए हम इसमें पैसे जमा कर सकते हैं। इस पर बैंक सबसे अधिक ब्याज देता है और एक निश्चित अवधि के बाद उस पैसे को हम ब्याज सहित प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा खाता है हमारा बचत खाता। बचत खाता उन व्यक्तियों के लिए होता है जिनकी आय कम होती है। इसमें कम आय वाले व्यक्ति अपने बैंक में जाकर अपना बचत खाता खोलते हैं और उसमें थोड़ी थोड़ी पैसा अपना जमा करते रहते हैं। सप्ताह में 2 या 3 बार उसमें अपना पैसा जमा कर सकते हैं और निकालने की भी इसमें सप्ताह में निश्चित 1 या 2 बार ही हम पैसा निकाल सकते हैं। बैंक इस खाते पर सावधि जमा खाते से कम ब्याज हमें देता है। यह सुविधा विशेषतः छात्रों के लिए, जिसमें उनकी छात्रवृत्ति वगैरह आती है, वे अपना बचत खाता खोलते हैं, या जो दैनिक मजदूर होते हैं वे पर अपना बैंक में जाकर बचत खाता खोलते हैं। घरेलू जमा खाता। घरेलू जमा खाता के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहक को एक गुल्लक प्रदान करता है। उस गुल्लक की चाबी बैंक के पास रहती है। इसमें जिससे छोटे छोटे बच्चे जो घर के होते हैं उन्हें बचत करने के प्रोत्साहन मिल सके और वे अपनी छोटी छोटी बचत को उस गुल्लक में प्रतिदिन जमा करते रहते हैं और जब वे गुल्लक भर जाती है तो महीने में या 2 महीने बाद बैंक में जाकर ग्राहक उस गुल्लक को देता है। बैंक का कर्मचारी ग्राहक के सामने उस गुल्लक को खोलता है, उसके रुपये गिनकर उसके खाते में जमा करता है। बैंक इस खाते पर भी हमें ब्याज देता है। आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाते से तात्पर्य यह है कि बैंक इस प्रकार के खाते में हम ग्राहक को यह सुविधा प्रदान करता है कि वे दिन अब एक निश्चित समय के लिए निश्चित अंतराल में अपना पैसा जमा करता रहता है कि उसमें आए महीने प्रति माह जैसे 10 रुपये जमा करे या 20 रुपये जमा करे तो एक निश्चित समय में निश्चित रकम प्रति माह जमा करनी पड़ती है। और जैसे 5 साल के लिए या 2 साल के लिए उसने ये आवर्ती जमा खाता खोला है तो उस 2 साल बाद या 5 साल बाद प्रति माह 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में उसे पैसा जमा करना पड़ता है, जितने रुपये का उसने आवर्ती खाता खोला। और उस खाते पर हमें जब अवधि पूरी हो जाती है तो ब्याज सहित पैसा हमें प्राप्त हो जाता है। बैंक खातों में जमा करने के अतिरिक्त हमें ऋण देने की सुविधा भी प्रदान करता है। इसके अंतर्गत हम 4 प्रकार से ऋण बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। एक नगद साख के द्वारा, एक अधिकर्ष के द्वारा, ऋण तथा अग्रिम द्वारा और विनिमय पत्र को बनाना। सबसे पहला पॉइंट है हमारा नगद साख। बैंक अपने ग्राहकों को एक निश्चित धनराशि उनके ऋण खाते में जमा कर देता है और जिससे इस खाते से पैसा उधार लेने से ये फायदा होता है कि इसमें हमें सिर्फ उतनी राशि पर ब्याज देना पड़ता है जितना पैसा हमने उसमें से निकाला है। इसके अंतर्गत
जैसे उदाहरण के तौर पे किसी ग्राहक ने 20,000 रुपये का ऋण अपना स्वीकृत कराया है तो बैंक उसके खाते में 20,000 रुपये जमा कर देता है, परंतु जितना भाग जितना वो अपने खाते में से यूज करेगा, जैसे सपोज करो उसने 10,000 रुपये यूज करे, तो केवल उसे 10,000 रुपये के ऊपर ही ब्याज देना पड़ेगा, पूरी राशि के ऊपर ब्याज नहीं देना पड़ता। इस खाते से हमें यह फायदा होता है। अधिकर्ष दूसरा पॉइंट, बैंक या अधिकर्ष की सुविधा हमें चालू खाते में प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत जितना पैसा हमारे चालू खाते में जमा है उससे अधिक धनराशि हम बैंक से निकाल सकते हैं। इसके लिए बैंक हमारे से जमानत लेता है। हमारी जो बैलेंस शीट है 3 साल की, वो उसके आधार पर हमें अधिकर्ष की सुविधा प्रदान करता है। जैसे किसी को 20,000 की सुविधा प्रदान करी या किसी को 1,00,000 की सुविधा प्राप्त की, तो उसके खाते में अगर किसी को 1,00,000 की सुविधा भी दी गई है तो उसके खाते में अगर 10,000 रुपये हैं तो 1,00,000 रुपये तक की अपने चेक कैश करा सकता है बैंक से। और बैंक इस सुविधा के लिए ग्राहक से बैंक वसूल करता है जो हमें सहशुल्क होती है, ऋण तथा अग्रिम। बैंक अपने ग्राहक को ऋण की सुविधा प्रदान करता है, अग्रिम देता है, इसमें एक निश्चित धनराशि उसके खाते में जमा कर दी जाती है। इस पर पूरी राशि के ऊपर उसे बैंक को ब्याज देना पड़ता है, चाहे उसने उसे यूज करा या नहीं करा। जैसे किसी ने 20,000 रुपये हमने बैंक से लोन लिया तो 20,000 रुपये हमारे ऋण खाते में जमा कर दिए जाते हैं, तो हम उस राशि को चाहे प्रयोग करें या ना करें, परंतु हमें पूरी राशि के ऊपर ब्याज देना पड़ता है। तो ये हमारा ऋण तथा अग्रिम है। अगला खाता है हमारा विनिमय विपत्रों को भुनाना। बैंक जो हमें ऋण प्रदान करता है वह विनिमय पत्र को भुना के भी हमें ऋण प्रदान की सुविधा देता है, कि जैसे हम किसी व्यापारी ने अपने विपत्र को बैंक से भुनाया या चेक विपत्र को भुनाया, तो उन विपत्रों को देय तिथि से पहले अगर हम बैंक से भुना लेते हैं तो बैंक कुछ शुल्क लेकर हमारा भुगतान कर देता है, जिससे हमें अपने जो उधार की आवश्यकता है या पैसों की आवश्यकता है उसको हम उससे पूरा कर लेते हैं और देय तिथि पर बिल का भुगतान हो जाता है। अगला कार्य है हमारे अभिकर्ता संबंधी कार्य। इसके अंतर्गत बैंक जो कार्य करता है, नंबर पहला करता है अभिगोपन करना, धन का हस्तांतरण, चेक एवं विनिमय विपत्रों को भुगतान, साख पत्रों का संग्रह, ग्राहकों की ओर से भुगतान। पहला पॉइंट हमारा अभिगोपन। अभिगोपन से आदि आशय यह है कि बैंक कंपनियों को उनके अंश पत्रों को बेचने की गारंटी देता है। जिस कंपनी के अंश बिकने से शेष रह जाते हैं तो जो गारंटी बैंक देता है वो गारंटी बैंक उन शेष अंशों को खरीद लेता है। अगला पॉइंट हमारा धन का हस्तांतरण। बैंक ग्राहकों के धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की भी सुविधा प्रदान करता है, विशेषतः ड्राफ्ट के द्वारा। जो आसान तरीका है हमारा ड्राफ्ट के द्वारा हम अपने पैसे को सरल और सुरक्षित ढंग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। अगला चेक एवं विनिमय विपत्र को भुगतान। चेक ग्राहकों के द्वारा या व्यापारियों द्वारा जो जारी किए गए चेक हैं, विनिमय विपत्र हैं, हुंडी हैं आदि को भुगतान करके भी हमें भुगतान करने का भी कार्य करता है, जिससे हमें किसी भी लेन देन करने में सुविधा रहती है। साख पत्रों का संग्रह, ग्राहकों के द्वारा आदेशित चेक बिल हुंडी आदि को संग्रह करके उनका पैसा वसूल करके हमारे खाते में जमा करने का कार्य भी बैंक करता है। ग्राहकों की ओर से भुगतान, समय समय से ग्राहकों के द्वारा जारी किए गए चेक हुंडी बिल आदि का भुगतान भी बैंक करता है, जैसे बीमा किस्त हमारी चंदे आदि में जो हमने चेक काट के दे रखे हैं उनको समय आने पर उनका भुगतान बैंक करता रहता है। बैंक के अन्य कार्य कुछ इस प्रकार से है कि बैंक लॉकर्स की सुविधा प्रदान करके ग्राहकों की बहुमूल्य संपत्तियों को सुरक्षित रखना। बैंक का जो दूसरा कार्य है हमारा एक अन्य कार्य में कि लॉकर्स हमें प्रदान करता है बैंक। ग्राहक बैंक में जाकर लॉकर्स को किराए पर प्राप्त कर सकते हैं, वो साइज के अनुसार हमें किराया देना पड़ता है उसका, और उसमें हम अपनी बहुमूल्य संपत्ति, रजिस्ट्री, मकान के कागजात, दुकान के जरूरी कागजात वगैरह हम उसमें जमा करके सुरक्षित रखते हैं। यात्रियों के लिए यात्री चेक की सुविधा प्रदान करना। बैंक यात्रियों के लिए भी यात्री चेक की सुविधा प्रदान करता है। वो यात्री चेक बनवा कर यात्रा करने वाला व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाकर उस चेक को उस बैंक की शाखा से
कैश करा लेता है, जिससे उसे पैसे लाने व ले जाने में किसी भी प्रकार के जोखिम की संभावना नहीं रहती है। विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना, कि हमारे बैंक विदेशी विनिमय की व्यवस्था करता है कि इसके द्वारा हम जो विदेशों में हम व्यापार करते हैं या विदेशी मुद्रा का भुगतान, एक देश की मुद्रा का दूसरी देश की मुद्रा से विदेशी मुद्रा का जो भुगतान किया जाता है वो हम इसके माध्यम से बैंक के माध्यम से करते हैं। प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, और बैंक समय समय पर प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करता है। आर्थिक विषयों से संबंधित आंकड़े एकत्र करना एवं प्रकाशित करना, कि आर्थिक विषय जो भी आंकड़े हैं हमारे बैंक से संबंधित आंकड़े या और आंकड़े, उन्हें बैंक प्रकाशित करता रहता है, उन्हें इकट्ठा करता रहता है। और उपभोक्ता वस्तुओं के व्यवसाय के लिए साख की सुविधा प्रदान करना, कि वे उपभोक्ताओं को अपनी वस्तुओं के लिए व्यवसाय में साख की सुविधा प्रदान करता है। समाशोधन घरे का कार्य भी करता है। बैंक का महत्व, बैंक के महत्व को हम तीन इन पॉइंटों से अध्ययन करते हैं। धन के हस्तांतरण की सुविधा, भुगतान में सहायक, बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा, वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति, सरकार को सहायता, साख निर्माण, जीवन स्तर में सुधार, विदेशी व्यापार में सहायक। पहला पॉइंट है हमारा धन के हस्तांतरण की सुविधा। बैंक अपने ग्राहकों को धन के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। वे ग्राहकों के द्वारा जारी किए गए चेक या ड्राफ्ट द्वारा उनका पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से सशुल्क या निःशुल्क भेजता है। दूसरा पॉइंट है हमारा भुगतान में सहायक। इसके द्वारा हम बड़ी से बड़ी राशि बैंक के माध्यम से बड़ी से बड़ी राशि का भुगतान आसानी से चेक के माध्यम या ड्राफ्ट के द्वारा करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा बहुमूल्य वस्तु की सुरक्षा। बहुमूल्य वस्तु की सुरक्षा के लिए बैंक हमें लॉकर्स की सुविधा प्रदान करता है। लॉकर्स के अंतर्गत हमें बैंक से किराए पर प्राप्त करते हैं, और इसकी दो चाबियां होती है, एक चाबी ग्राहक के पास रहती है और दूसरी चाबी बैंक के पास रहती है। उसके अंदर जब हम बैंक से अपना लॉकर्स का खाता खोलते हैं, उसमें अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को रख देते हैं। पहले चाबी ग्राहक की लगती है बंद करते समय, और बाद में बैंक की लगती है। परंतु जब लॉकर्स खोलते हैं स्टार्टिंग में, तो पहले बैंक की लगती है और बाद में ग्राहक की लगती है। तो अगला पॉइंट हमारा वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति। बैंक किसानों को, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को उन्हें अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण की सुविधा प्रदान करके उन्हें वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति बनाए रखता है उनकी। सरकार को सहायता, बैंक केवल जनता का ही बैंक नहीं होता, वरन सरकार का भी बैंक होता है। वे सरकार को ऋण संबंधी ऋण को वसूली करने की सुविधा प्रदान करता है, उनकी कर वसूली करता है, और सरकार के खाते से सरकार के द्वारा जारी की गई चेक आदि का भुगतान भी करता है। साख निर्माण, बैंक का सारा कार्य साख के ऊपर निर्भर है, कि अगर किसी बैंक का अपने बैंक अपने ग्राहकों को साख निर्माण का कार्य भी करता है, उनके साख को बढ़ाने के लिए उन्हें साख की सुविधा प्रदान करता है, चेक हुंडी आदि देता है, जिससे वह उनके भुगतान के द्वारा अपने साख का निर्माण कर सके। जीवन स्तर में सुधार, बैंक अपने ग्राहकों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए उन्हें अलमारी, मोटरसाइकिल, फ्रिज आदि खरीदने के लिए किस्तों में जिससे वह भुगतान कर सकें और अपने जीवन स्तर को बढ़ा सकें आगे, तो उसके लिए भी बैंक हमें सुविधा प्रदान करता है। विदेशी व्यापार में सहायक, बैंक विदेशी व्यापार में भी सहायक होते हैं, कि उसके द्वारा हम एक देश से दूसरे देश में हम व्यापार करते हैं और उसके कारण हमारा भुगतान आसानी से चेक के माध्यम से कर देते हैं। बैंक के महत्व का सारांश, संक्षेप में हम कह सकते हैं, बैंक के सहयोग के बिना आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बैंक बचतों को बढ़ावा देते हैं, उनको उत्पादन कार्य में लगाने में सहयोग देते हैं, तथा मुद्रा के प्रेषण तथा संपत्ति की रक्षा में सहायक होते हैं। कृषि, उद्योग एवं व्यापार की सहायता करके यह देश की आर्थिक उन्नति में सहायक बनते हैं। सरकार, व्यापारी, उद्योगपति, कृषक और साधारण उपभोक्ता आदि सभी को बैंक उपयोगी सेवाएं प्रदान करते हैं। वर्तमान युग में बैंक को आधुनिक व्यापार और उद्योग की आधारशिला माना जा सकता है। बैंकों के प्रकार, बैंकों के प्रकार, बैंक हमारे दो प्रकार के होते हैं, मेन आधुनिक बैंक और प्राचीन देसी बैंकर। आधुनिक बैंक, वर्तमान समय में जितने भी बैंक हमारे सब आधुनिक बैंक है। आधुनिक बैंक इसलिए कहा जाता है कि ये पाश्चात्य पश्चिमी राष्ट्र के ऊपर आधारित हैं, उनके कार्य प्रणाली के आधार पर ही यहाँ कार्य कर रहे हैं।
आधुनिक बैंकों के प्रकार। सर्वप्रथम जो हमारे बैंक थे दो प्रकार के थे, आधुनिक बैंक और प्राचीन देसी बैंक। तो पहला है आधुनिक बैंकों के प्रकार कौन कौन से हैं, व्यापारिक बैंक, नंबर दो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, औद्योगिक बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, सहकारी बैंक, भूमि बंधक बैंक, केंद्रीय बैंक, डाकघर बचत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक। सर्वप्रथम बात करते हैं हम व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक वे बैंक होते हैं जो व्यापार से संबंधित व्यापारियों को दीर्घकालीन या अल्पकालीन ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। हमारे देश में स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक आदि व्यापारिक बैंक है। ये ग्राहकों से, व्यापारियों से जमा स्वीकार करते हैं, ऋण की, अल्पकालीन ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं और समय समय पर उन्हें परामर्श व्यापार से संबंधित देते रहते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। यह आपको मैंने पहले बताया था कि जो हमारे तीन प्रेसिडेंसी बैंक थे, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में, उन तीनों बैंकों को मिलाकर एक इंपीरियल बैंक बनाया गया था और इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। भारतीय स्टेट बैंक की अनेक शाखाएं हमारे देश में और विदेशों में भी हैं। ये सबसे बड़ा बैंक हमारा होता है। रिजर्व बैंक के बाद इस बैंक का कार्य होता है। जहाँ पर रिजर्व बैंक की शाखा नहीं होती, वहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक रिजर्व बैंक संबंधी कार्य को देखता है। औद्योगिक बैंक, औद्योगिक बैंक शासकीय जो उद्योगों के लिए दीर्घकालीन ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। ये 5 वर्ष से 20 वर्ष तक की अवधि के लिए उन्हें ऋण प्रदान करते हैं। ये भी जमा स्वीकार करते हैं और उद्योगों के अंश ऋण पत्रों को खरीदने और बेचने का संबंधी कार्य करते हैं और उन्हें समय समय पर उद्योगों के लिए परामर्श की सुविधा भी प्रदान करते हैं अपने विशेषज्ञों के द्वारा। अगला पॉइंट हमारा विदेशी विनिमय बैंक। ये विदेशी विनिमय बैंक से तात्पर्य यह है कि जो विदेशों के जो हमारा व्यापार है विदेशों में, उसका लेन देन हम इन बैंकों के माध्यम से करते हैं। अपना भुगतान विदेशों में करने के लिए हम इनके द्वारा पैसा भेजते हैं। ये एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में भी परिवर्तित करते हैं। हर एक देश में कुछ विदेशी बैंक होते हैं, हमारे देश में भी अनेक विदेशी बैंक हैं। सहकारी बैंक, सहकारी बैंक से आशय साख समितियों से भी कहा जा सकता है कि इसमें कोई 10 व्यक्ति मिलकर एक साख समिति की स्थापना करते हैं और वे अपने कम साधनों के द्वारा, अपने आय साधनों के द्वारा ही, आर्थिक साधनों के द्वारा ही, जो अपने मेंबर होते हैं या जो सहकारी बैंक हमारे और होते हैं, उनसे ऋण लेकर कम ब्याज की दर पर लोगों को, जो अपने मेंबर हैं, सदस्य हैं, उन्हें ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। भूमि बंधक बैंक, भूमि बंधक बैंक से आशय है कि जो भूमि को बंधक रखकर ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। ये किसानों को उनकी भूमि के सुधार करने के लिए, नई भूमि को खरीदने के लिए, ट्रैक्टर आदि के लिए और के लिए ऋण की सुविधा दी जाती है। केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक से आशय आपको पहले पता है कि केंद्रीय बैंक हमारे रिजर्व बैंक को कहते हैं। यह बैंकों का बैंक कहलाता है। हर एक देश में एक केंद्रीय बैंक स्थापित हुआ है। हमारे देश में भी रिजर्व बैंक है और ये पत्रों का निगमन करना, नोटों का निगमन करना, साख का निर्माण करना रिजर्व बैंक का ही कार्य है। हर एक देश में एक केंद्रीय बैंक होता है, वे सभी बैंकों के ऊपर अपना नियंत्रण बनाए रखता है। डाकघर बचत बैंक, डाकघर बचत बैंक से आशय है कि डाकघर में भी बचत बैंक खाता खोलने के लिए ग्राहकों को सुविधा दी जाती है। जो बैंक में नहीं जाते, वे डाकघर में जाकर भी बचत बैंक खाता खोल सकते हैं। इस पर भी हमें ब्याज प्राप्त होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामीण ग्रामों को सुधार करने के लिए, उनका विकास करने के लिए जगह जगह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई है, जिससे वे कम आय वाले किसान मजदूर आदि को, उनको जीवन स्तर को सुधारने के लिए उन्हें अल्पकालीन ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय कृषि तथा
ग्रामीण विकास बैंक। हमारे देश में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की भी स्थापना की गई, जिससे हमारे देश की कृषि, क्योंकि देश हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ पर कृषि को बढ़ावा देने के लिए और ग्रामों को विकास करने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई। विशेष तौर पर भारतीय निर्यात आयात बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक से अभिप्राय है कि यह बैंक निर्यात और आयात करने के लिए हमें इस बैंक के माध्यम से अपना माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक देश से दूसरे देश पर आयात और निर्यात करते हैं और उसके द्वारा ही हम भुगतान करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय आवास बैंक। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंकों की भी स्थापना की गई है, जिससे आवास की सुविधा के लिए उन्हें दीर्घकालीन ऋण दिए जा सके ग्राहकों को और देश में उनका विकास हो सके। आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा है बैंक शब्द की उत्पत्ति इटली के बैंको शब्द से हुई है। जो मैंने सर्वप्रथम आपको बताया था कि इटालियन भाषा के बैंको शब्द से बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई है। व्यापारी की तरह बैंक विदेशी व्यापार में सहायता प्रदान करते हैं, विनिमय पत्र आदि पत्रों को जारी करता और बुनाता है, ऋण देने वाले की भांति वह जमा पर रुपया प्राप्त करता है तथा सुनार की भांति वह बहुमूल्य वस्तु को सुरक्षित रखता है तथा साख का सर्जन करता है। बैंकों की परिभाषा हार्ट, प्रोफेसर हार्ट, भारतीय कंपनी विधान 1949 आदि द्वारा अपने अपने ढंग से दी गई है। इन परिभाषाओं का निष्कर्ष यह है कि बैंक उस व्यक्ति या संस्था को कहते हैं जो मुद्रा एवं साख का व्यापार करती है। मैं आपको घर के लिए कुछ गृह कार्य दे रहा हूँ, जब तक हमने सिखाया है, जो समझाया है उससे संबंधित ये आपको कुछ गृह कार्य है जो आपको घर पर अपनी कॉपी पर करना है। पहले पर्सन बैंक की उत्पत्ति पर टिप्पणी लिखिए। जो मैंने शुरू में बताया था आपको बैंक की उत्पत्ति के बारे में, उसका वर्णन इसमें करना है आपको। फिर अगला है बैंक का अर्थ एवं परिभाषा। तीसरा क्वेश्चन बनता है इसमें बैंक के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है अभिकर्ता के रूप में बैंक क्या क्या कार्य करता है। जो एजेंट के कार्य बताए गए थे आपको, अभिकर्ता के कार्य, वो इसमें वर्णन करना है। पांचवा है भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकों का महत्व बताइए और बैंक में खोलने जाने वाले खातों का वर्णन कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हुआ और जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे संबंधित जो मैंने गृह कार्य आपको दिया है उसे आपको अपनी कॉपी पर करना है। धन्यवाद।